बालोतरा के टापरा गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही से पेयजल की भारी किल्लत पिछले लंबे समय से है। वहीं पानी की किल्लत को लेकर गुस्साए ग्रामीण शनिवार को सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने मेगा हाईवे पर प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे जाम की सूचना मिलने पर बालोतरा पुलिस व जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बालोतरा के टापरा गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही से पेयजल की भारी किल्लत पिछले लंबे समय से है। वहीं ग्रामीणों द्वारा पेयजल की किल्लत को लेकर कई बार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज दिन तक नहीं हुआ। वहीं पानी की किल्लत को लेकर गुस्साए ग्रामीण शनिवार को सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने मेगा हाईवे पर प्रदर्शन किया व हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार मानसून की बेरुखी और ऊपर से जलदाय विभाग की मनमर्जी के चलते 2 माह से गांव में व ढाणियों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को मजबूरन महंगे दामों पर टैंकर मंगवाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। वहीं हाईवे जाम की सूचना मिलने पर बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। कितना महीना हुआ? 2 महीना हुआ। कनी शिकायत की दी थी? कनी शिकायत कर पानी मांगे। सब भरे दोनों मेरे को हाफ। अबे थारी कोई मांगे? मारी मांगे पानी री मारे नलर आवे तो ठीक रे। कनी अधिकारी बात की दी थी? अधिकारी की कुड़ी जे को कोई साली वाला की दी। कोई सुनवाई नहीं करे। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। काफी देर तक हाईवे जाम व प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के जय्यर ने मौके पर पहुंचकर 7 दिनों के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाएं व ग्रामीण हाईवे से हटे और यातायात बहाल हुआ। वहीं ग्रामीणों द्वारा हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने के दौरान हाईवे के दोनों छोर पर करीब आधे घंटे तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जलदाय विभाग व पुलिस की समझाइश के बाद खुले जाम से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली।